हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मदीना ग्रुप कंपनी कतर के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में इसलिए बताने वाला हूँ, दोस्तों बहुत सारे लोग मदीना ग्रुप के नाम पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। बहुत सारे भाई लोगों को मन में डाउट रहता है। जो भी डाउट है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये कंपनी कतर की में कैसी है, क्या इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये काम क्या कराती है, इसके पास प्रोजेक्ट कौन सा है, और ये इस कंपनी में सैलरी वगैरह टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस कंपनी के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये कंपनी सप्लाई है कि नहीं है, कि कंपनी है, और बहुत सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुँच सके, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि मदीना ग्रुप कंपनी जो है ये कतर में काम क्या कराती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मदीना ग्रुप जो कंपनी है, रसला फान में ज़्यादातर इसका काम चलता है, और सनहिया में दोस्तों इसका एक वर्कशॉप है। दोस्तों, ये मेंटेनेंस का भी काम कराती है, और लॉन्ग जॉब का भी काम कराती है, शटडाउन का भी काम कराती है, ऑयल गैस में भी ये काम कराती है, पाइपिंग का भी काम कराती है, मैकेनिकल सिविल दोनों काम कराती है दोस्तों ये कंपनी। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दे, मदीना ग्रुप, ग्रुप का नाम सुन के बहुत सारे आदमी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये सप्लाई कंपनी है। तो दोस्तों, ये सप्लाई कंपनी नहीं है, ये खुद का काम पकड़ती है और खुद काम कराती है। दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सप्लाई कंपनी कतर में नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इसका वैकेंसी दोस्तों इंडिया में बहुत सारे जगहों पर जाता है, और अधिकतर दोस्तों इस कंपनी का जो वैकेंसी जाता है फ्री रिक्वायरमेंट जाता है, फ्री वैकेंसी जाता है, एक भी पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी में बेसिक सैलरी जो है वो क्या मिलता है। तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, कतर गवर्नमेंट के हिसाब से हेल्पर की सैलरी तो 1000 हो गया है, प्लस खाना हो गया है, या खाना नहीं देगा तो पैसा देगा। तो इस कंपनी में आप लोग को बता दें, जो ट्रेड वाले भाई हैं लोग, हीटर फैब्रिकेटर, वो लोग का सैलरी दोस्तों 1500 से 1800 का बीच में ये सैलरी रहता है। इंटरव्यू के हिसाब से दोस्तों इसमें सैलरी लगता है 1500 से 1800 का बीच में इस कंपनी में सैलरी लगेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कंपनी का इंटरव्यू अधिकतर किस ऑफिस पे जाता है इंडिया में। तो इंडिया में दोस्तों डायनामिक ऑफिस हो गया, SMS ऑफिस हो गया, इन सारे ऑफिस पे इसका वैकेंसी जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कंपनी में फूड की। तो दोस्तों, इस कंपनी में फ्री फूड है, खाना भी अच्छा है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों इस कंपनी में टाइम टू टाइम मिल जाएगा, इसका फैसिलिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर इस कंपनी का इंटरव्यू अगर जाता है तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, इस कंपनी में जा सकते हैं, इस कंपनी में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों, डिसीजन आपका है, जाना है आपको कि नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पता कर लें, मेरे भी बात पे भरोसा न करें। आप लोग अच्छे से पता कर लेंगे, आप लोग जब तक संतुष्ट हो जाएं फिर आप लोग इंटरव्यू दें, इसी कंपनी में नहीं किसी कंपनी में। अब मैं आप लोगों को बता दिया कि कंपनी सप्लाई नहीं है, इसका फ्री फूड है, काम क्या कराती है, कैंप वगैरह दोस्तों इसका अच्छा है, सब फैसिलिटी वगैरह अच्छा है। दोस्तों, अब जाना है कि नहीं जाना है ये आपके ऊपर डिसीजन है। जाना है तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पता कर लें, पता करने के बाद जब तक आप संतुष्ट न हो तब तक आप लोग किसी भी कंपनी में इंटरव्यू न दें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जाके वहाँ पे रहना है 2 साल या 3 साल। तो कहने का मतलब है, आप लोग खुद पता कर लेंगे, खुद संतुष्ट हो जाएंगे। तो सारे चीज़ों में अपना इम्पोर्टेंट ज़्यादा रखना चाहिए, अपने पर खुद ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए और पता कर लेना चाहिए। अगर इसमें आप लोगों को सोच लगे कि हाँ मैं काम कर लूँगा, ये कंपनी में ये काम है मैं कर लूँगा, तो आप लोग कहीं भी सक्सेस रहेंगे। अगर आप लोग अच्छे से पता कर लेंगे तो आप लोग कहीं भी जाएंगे तो आप लोग फंसेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पता कर लें।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी इसके बारे में पता चल सके। और हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।